please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बीएचयू में छात्र पर हुए लाठीचार्ज के मामले में प्रोफेसर ओएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उसी समय उस धरने से उठ करके वो दिल्ली तलब हुए। बीएचयू के वीसी ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई। कोशिश बार बार की गई और बाद में उनका सहारा लेकर के ये लोग हिंसा और अराजकता फैला रहे। यूपी के सीएम योगी के मुताबिक लाठीचार्ज मामले पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहाँ पर जो लाठीचार्ज की घटना सामने आई है, इस सब की मिनिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीएचयू छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मुंबई में युवा कांग्रेस ने बीएचयू में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरार हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। इनकी बेल एप्लीकेशन आज डिसमिस कर दी गई है दिल्ली हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं बनती है, जुरिस्डिक्शन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद हनीप्रीत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगा सकती है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रेमेडी का इंडिकेशन है ऑर्डर से, रेस्ट हम एग्जामिन कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली वी एडवाइज एंड इंस्ट्रक्ट आवर क्लाइंट। तो गंगानगर से पंचकुला हिंसा मामले में दो आरोपी बलविंदर सिंह और पाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद एमएसजी के सामानों की मांग काफी गिर गई। अहमदाबाद में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जनता की बात नहीं सुनने के आरोप लगाए। जब आप अपना हक मांगोगे, जब आप खड़े होगे, तो फिर आपको गोली मारेंगे, सुनने के बजाय पिटाई करेंगे। गुजरात में चुनावी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नोटबंदी को अपराध बताया। अगला सेंटेंस था, इन लोगों ने ये क्या कर दिया, दिस इज ए क्रिमिनल एक्ट। राहुल गांधी ने बीएचयू मुद्दे पर कहा कि जो अपनी आवाज उठाता है उस पर डंडे पड़ते हैं। जब आप अपना हक मांगोगे, पुलिस वाले आकर आपकी महिलाओं को पीटेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी को पद से हटाने के साथ ही राज्य इकाई को भंग किया गया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाए गए अशोक चौधरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष कौकब कादरी को बिहार कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना ने पाकिस्तानी बैट के दल के हमले की कोशिश को नाकाम किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री से बैठक में सीतारमन ने पाकिस्तान को मिलने वाली मदद का मुद्दा उठाया। बेंगलुरु में भगवान राम पर प्रोफेसर के एस भगवान के विवादित बयान से हंगामा बढ़ गया। सऊदी अरब की सरकार ने महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति देने का फैसला किया। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने उत्तर कोरिया के 8 बैंकों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। आईसीसी के नए नियमों के मुताबिक दुर्व्यवहार के चलते खिलाड़ी मैच से बाहर हो सकता है। आईसीसी के नए नियमों के मुताबिक टी20 मैचों में भी डीआरएस की व्यवस्था लागू होगी। आईसीसी का अनुशासनहीनता पर बना गया नया नियम 28 सितंबर से लागू होगा। आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार का नया गाना आई विल मिस यू जारी किया गया। इन द मॉर्निंग 4:45 बजे, इन द इवनिंग जब पहली बारिश। महाराष्ट्र के कल्याण में स्टंट देखते समय लड़की मौत की कुएं में गिरने से घायल हो गई। दिल्ली के अंबेडकर नगर में नाबालिग से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया। दिल्ली के अंबेडकर नगर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में आपसी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने यादव सिंह और उसके परिवार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। राजनाथ सिंह की अपील पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दार्जिलिंग में बंद खत्म कर दिया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में छेड़खानी कर वीडियो बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए।
मोतिहारी में आरजेडी विधायक के बेटे की गुंडागर्दी की वजह से कर्मचारियों ने बैंक बंद किया। बिहार सरकार 2 अक्टूबर से पूरे राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाएगी। मुंबई में पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाली। प्रधानमंत्री आवास पर आज सुबह 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एसीबी ने कई अधिकारियों के 23 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना के नालंदा ओपन विश्वविद्यालय में 98 साल के बुजुर्ग ने एमए की परीक्षा पास की। अगर एमए कर ले इकोनॉमिक्स में तो सब रिवीजन हो जाएगा। अब जब एडमिशन हो गया तो आगे चैलेंज एंड आई एक्सेप्टेड इट।